जिला कुशीनगर के ब्लॉक तमकोहिराज में हुई सभी कोटेदारों की बैठक। आपको बताते चले कि 21/10/2020 को कोटेदार और उप जिलाधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक के ऊपर ये आरोप लगाया है, रास्ते में गुंडे बेचकर हमारी इज्जत लुटवाने व हमला करवाया। उसी प्रकरण में सभी कोटेदार पर बार बार इसी तरह महिला षड्यंत्र रचती हैं और बार बार प्रार्थना पत्र देती हैं, जिसमें सभी कोटेदार ने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया है कि उस प्रकरण में पूर्णिमा शाही की जांच कराई जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए कि महिला भविष्य में वह पूर्ण इस तरह प्रकरण ना कोई गलती करे। यदि उस महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम सब कोटेदार संघ के कोटेदार गण सामूहिक हड़ताल करेंगे और वितरण निकासी बंद कर देंगे। मेरा नाम है राम निवास प्रसाद। महोदय, आज जिला कार्यकारिणी का मीटिंग हुआ। ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर फेडरेशन कुड़दार संघ, मैं जिला अध्यक्ष राम निवास प्रसाद कुशीनगर इकाई से हूँ। महोदय, आज जो मीटिंग हुआ उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आज जो मीटिंग हुआ है तमकुही ब्लॉक सभागार में, इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम सभी लोग दुकानदारों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, जैसे जो भी तमकुही में जो उत्पीड़न हुआ है उसके खिलाफ हम लोग पूर्व प्रसारित कार्यक्रम के तहत एकत्रित हुए और पूर्व प्रसारित के अनुसार हम लोग मीटिंग किए और अधिकारी को अवगत कराएंगे। इंडियन टाइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।